नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी दर्शकों एवं अभ्यर्थियों का अपने YouTube चैनल स्टडी विद नवीन कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, देयर आर सेवरल ओपिनियन रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, प्लैनेट्स एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड्स एंड इट इज कंसर्न विद रिलीजियस व्यू, माइथोलॉजिकल थॉट्स एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट थॉट्स रिलेटेड टू साइंस और साइंटिफिक व्यूज। और हमारा जो कंसर्न है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, वो चार्ल्स डार्विन के थॉट्स हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपने दो रिसर्च बुक में मानव के उत्पत्ति से संबंधित शोध प्रकाशित किया है। पहला है ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज और दूसरा है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अगर आप इन दोनों पुस्तकों के सहयोग से अगर जानने का प्रयास करें कि मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि कैसे अफ्रीका महाद्वीप में ब्रंस घाटी, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका नियर केन्या, तंजानिया, युगांडा एंड रवांडा, लोकेटेड इन विक्टोरियन लेक और विक्टोरिया झील के आसपास अवस्थित या ब्रंस घाटी थी, जहां पे सबसे पहले माना जाता है कि यूनिसेलुलर जीवों की उत्पत्ति हुई, एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई और लंबे समय तक इसमें जेनेसिस होता रहा, विकास होता रहा और ये पहुंचा रेप्टाइल ग्रुप के पास और यहीं से फिर एक डाइवर्जन है जो हमारे लिए महत्व रखता है, उसका नाम है प्राइमेट। प्राइमेट एक क्लास है और इसी प्राइमेट क्लास से एक सब क्लास का डेवलपमेंट हुआ जिसे आप एप कहते हैं। एप मींस कपी। और अगर हम मानवों के इन विकासों के टाइम पीरियड को फाइंड करने का प्रयास करें तो ये स्टैंड करता है नियर अबाउट 260 लाख, अप्रॉक्स 260 लाख इयर्स एगो टू 240 लाख ईयर्स एगो। डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं। अगर हम इसके बिगनिंग को देखने का प्रयास करें तो सबसे पहला जो हमारा कंसर्न है वह है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसके डेट को आप लिख सकते हो अप्रॉक्स 15 बिलियन ईयर्स एगो, अर्थात आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी। इसमें दूसरा फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है उसमें है ओरिजिन ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ और ये है अप्रॉक्स 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। इसका मतलब हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति का जो टाइम है जहां यह स्टैंड करता है साइंटिफिक व्यू के अकॉर्डिंग वो क्या है, लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व। हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया था लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व। अगर हम इस डेसिमल के बाद के नंबर्स को
इग्नोर करें तो लगभग लगभग यही होता है। लेकिन हमारा जो स्पेशली कंसर्न है वो मानवों के इतिहास से रिलेटेड है, तो हिस्ट्री को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, मानव के उत्पत्ति से संबंधित जो मोस्ट ऑथेंटिक डेटा है, जो डेट है, जो हमारे पास तथ्य है, जो अभी हमने डिस्कशन किया था चार्ल्स डार्विन के थॉट के अकॉर्डिंग, इसमें सबसे पहला इसके फाइंडिंग्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है 360 to 240 lakh years ago, यानी आज से लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 240 लाख वर्ष पूर्व के बीच में मानवों का जो सबसे प्राथमिक क्लास है, जाति है, उसका विकास हुआ होगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा मानव जैसा प्राणी नहीं रहा होगा, ऐसा चार्ल्स डार्विन ने आइडेंटिफाई किया है। बट उन्होंने एक और हमारे लिए डेट अवेलेबल कराया है जो लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व की बात करते हैं, 60 लाख वर्ष पूर्व। और इस समय जो डेवलपमेंट है उसको इन्होंने नाम दिया है एप, अर्थात कपी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज कपिल थे, जिसको कुछ लोग वानर भी कहते हैं। तो ये डेट क्या है, 60 लाख वर्ष पूर्व, आज से 60 लाख वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई होगी। चार्ल्स डार्विन इस फैक्ट्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि आज से 56 लाख वर्ष पूर्व, आज से 56 लाख वर्ष पूर्व मानव जैसा प्राणी, मीन्स होमोनाइट, होमो नाइट का विकास हुआ। होमो इज अ ग्रीकन टर्म मीन्स एज लाइक ह्यूमन। तो ह्यूमन या मानवों से जो सबसे नियरेस्ट प्राणी है, जो सबसे नियरेस्ट जाति है, उसे चार्ल्स डार्विन ने क्या नाम दिया, होमोनिड। होमोनिड और होमोनाइड का जो डेट है वो एग्जैक्ट क्या है, 56 लाख वर्ष पूर्व स्टैंड करता है। तो फिर हम इतिहास कब से माने कि मानवों का इतिहास कब शुरू हुआ। डियर फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेट स्टैंड करता है जो ऑथेंटिक है। बट अगर हम इस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग और आगे बढ़े और बात करें प्राथमिक समाज का, जो मानवों के समाज की उत्पत्ति हुई है, उससे रिलेटेड हमारे पास इस समय के का कोई फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, कोई फाइंडिंग्स नहीं है, लाइक कोई भी पुरातात्विक स्रोत अवेलेबल नहीं है। जितने भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है वो नियर अबाउट 30 लाख वर्ष पूर्व के पूर्व तक ही मिल पाया है। और ये भी लेटेस्ट जो 30 लाख के आसपास मिला है ये 2016 में मोरक्को से फाइंड किया गया था। मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है जहां से मानव का जबड़ा मिला था, टिथ जैब ऑफ ह्यूमन बींग, और इसे C14
डेटिंग पैटर्न या C14 कार्बन निर्धारण पद्धति के आधार पर फाइंड किया गया, तो ये डेट हमें आइडेंटिफाई किया गया लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व तक। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड स्टोन एज जो हमारा सबसे पहला इतिहास की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, जो मानवों का इतिहास है वो सबसे पहले स्टोन एज या पाषाण युग के नाम से जाना जाता है, और इसका विश्व स्तर पे अगर आप सर्वे करेंगे तो सबसे पहले अफ्रीका में ही इसके फाइंडिंग्स हैं। इसके बाद इसका विस्तार या फैलाव विश्व के अन्य भूभागों पे हुआ, इसके कई ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव किया, और एक जो पहला डायमेंशन है वो मोरक्को की ओर मूव किया हुआ दिखा होगा, तभी तो हमारे पास जो सबसे ओल्डेस्ट फाइंडिंग्स है वो मोरक्को से ही फाइंड हुआ है। यहीं से एक ब्रांच यूरोपियन वैली में गया होगा, जो आप नियंडरथल घाटी और नियंडरथल वैली के नाम से जानते हैं। उसके कुछ ब्रांचेज होंगे जो सेंट्रल एशिया को क्रॉस करते हुए एशियन टेरिटरी में सेटल हुआ होगा। उसके एक ब्रांच जो कि भारत में समुद्र के रास्ते बाय डिफॉल्ट पहुंचा था, और ऐसा माना जाता है कि विक्टोरियन रीजन में एक फ्लड आया और उस फ्लड में कुछ जो एप थे या मानव जाति थे वो पेड़ पौधों के सहारे बचने का प्रयास किया और वो बहते हुए भारत आ गए, और भारत में सबसे पहले मानवों के आने का जो फैक्ट्स है वो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से मिलता है। तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले भारत में मानव आया होगा महाराष्ट्र में, और इसका डेट लगभग लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व, आज से 14 लाख वर्ष पूर्व का दिखता है। लेकिन हम विश्व इतिहास के संदर्भ में बात करें तो जो मानवों का विकास हुआ उसके ऊपर एक अलग अलग थॉट्स को नाम डिस्कशन करते हुए हम यहाँ चार्ल्स डार्विन के द्वारा बताए गए मानवों के उत्पत्ति के विकास को देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी है, क्योंकि हमारा जो कंसर्न होता है बेसिकली एनसीईआरटी के बुक को ही रखते हैं, क्योंकि वही सबसे ऑथेंटिक बुक हमारे लिए है। बिकॉज जो भी एग्जाम देने जाते हैं आप सीबीएसई और यूजीसी नेट जेआरएफ के द्वारा या तमाम तरह के पीसीएस जो स्टेट पीसीएस है या सेंट्रल यूपीएससी है, उन सभी का कंसर्न ऑथेंटिक बुक होता है, और वो हमारे लिए एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के ओल्ड एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो मानव के विकास के क्रम को चार भागों में विभाजित किया गया था, जिसको आप होमोनिड, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस एंड होमो सैपियंस सैपियंस के नाम से जानते हैं। लेकिन जो इस समय 11th क्लास में जो हमारे पास लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसने इस डिवीजन को रिड्यूस करके तीन पार्ट में ही डिवाइड किया है, तो हम न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही इस फैक्ट्स को पढ़ेंगे। जो मानवों के फर्स्ट प्रकार है, जो सबसे पहला ऑथेंटिक मानव माना गया, उसका एग्जांपल हम लेते हैं, इसको हमने कहा होमोनिड। होमोनिड से संबंधित जो हमारे पास फैक्ट है वो लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व में शुरू हुआ होगा ऐसा माना जाता है, 56 लाख वर्ष पूर्व। ये अभी हमने बात किया कि सबसे पहले कहां विकसित हुआ होगा, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के ब्रंस घाटी में यह विकसित हुआ होगा। और इस होमोनिड में जो सबसे पहला मानव का प्रकार बताया गया उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस
पिथेकस यानी मानवों का सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। इस प्रजाति का ही विकास संपूर्ण विश्व में हुआ होगा। अगर हम इसके फीचर्स और इनके विशेषताओं की बात करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस का या होमोनिड का, तो ये बेसिकली फर्स्ट टाइम पेड़ पौधों से नीचे जमीन पे अवतरित हुआ होगा इनका। ये अब तक बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक लाइफ नहीं जी पाते होंगे, और ये ऐसा माना जा सकता है कि होमोनिड के जो एक्टिविटीज हैं, जो कार्यविधि है, वो अभी भी आज के मानव जैसा नहीं होगा। आज के मानव कहने से मतलब है कि होमो सेपियंस जैसा नहीं होगा। तो इनके बारे में बेसिकली कहा जाता है कि ये अभी भी ह्यूमन विंग नहीं है। इनके लिए जो एक टर्म यूज किया जाता है एज लाइक ह्यूमन विंग, मानव जैसा प्राणी होगा। तो इनके एक्टिविटी क्या हो सकते हैं, ये रिवर बैंक्स में, रिवर बैंक के आसपास यानी नदी घाटी के आसपास रहते थे। मेनली केव हो सकता है इनका सेल्टर, गुफाओं में रहते होंगे। तो जो इनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ये जो इनका यूज किया हुआ कुछ टूल्स मिला है उसे नाम दिया जाता है पेबल या पेबल। जो आर्कियोलॉजिस्ट है इस पेबल को ऐसे डिफाइन किया है कि ये कोई प्राकृतिक रूप से घर्षित स्टोन है जिसको स्टार्टिंग में मानवों ने अपने काम में सहायता के लिए यूज किया होगा। तो पेबल कोई ह्यूमन मेड टूल्स नहीं है, ये एक नेचुरल फाइंडिंग्स है जिसको ह्यूमन बींग ने यूज किया होगा। नो डाउट यहीं से हथियार बनाने या उपकरण बनाने का जो प्रचलन है वो बढ़ा होगा। तो बेसिकली अभी भी ये मानव जैसा दिख रहा है, लेकिन मानव आज के मानव जैसा नहीं है। इनके कोई भी एक्टिविटी ऐसे नहीं फाइंड किए जा सके हैं जो हमारे जैसा हो, जो आज के मानव है उनके जैसा इनका कोई भी एक्टिविटी नहीं है। फिर भी चार्ल्स डार्विन ने इनके एक कैटेगराइजेशन अलग किया और इसमें कुछ और भी फैक्ट्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जैसे साइज ऑफ ब्रेन। चार्ल्स डार्विन जब स्टडी कर रहे थे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के बिहाव पे, तो उन्होंने मानवों के कैटेगराइजेशन का जो आधार बनाया उसमें सबसे ज्यादा साइंटिफिक व्यू था ब्रेन, यानी मानवों का जो ब्रेन का साइज था, और इस ब्रेन के साइज के अकॉर्डिंग ये पहला कैटेगरी था। और इनका ब्रेन साइज था 500 cc टू 700 cc। इसका मतलब कि एक रेंज रखा इन्होंने कि जिन मानवों के मस्तिष्क का आकार 500 क्यूबिक सेंटीमीटर से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच हो, उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, होमोनिड कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी को चार्ल्स डार्विन ने होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के नाम से लोकेट किया है। होमो इरेक्टस होमोनिड से विकसित मानव प्रजाति है। जैसा कि अभी हमने एक पैरामीटर्स की बात की जिसमें ब्रेन साइज को हमने देखा, तो होमो इरेक्टस का ब्रेन साइज 700 cc टू 1200 cc डिसाइड किया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। हमने इसका ब्रेन साइज क्या बताया था, 500 cc टू 700 cc, मींस एक रेंज है जो एक क्लासिफिकेशन का आधार है, मानवों के बीच में वर्गीकरण का
आधार है। होमो इरेक्टस में जो बेसिकली चेंजेज आया वो इस नाम से ही पता चलता है, इरेक्ट यानी मानव सबसे पहले जो ह्यूमन बॉडी है उसका पोस्चर स्टैंडिंग फॉर्म में है, खड़ी अवस्था में, सीधी खड़ी अवस्था में है। तो इसके लिए जो फीचर्स लोगों ने बताया वो है टू लेग स्टैंडिंग मैन और मेन, यानी दो पांव पे खड़ा हुआ होता हुआ मानव है, यानी इनका जो पोस्चर है, जो रीढ़ की हड्डी थी वो स्टैंड हो गया था और इसीलिए इसको मानव माना जाता है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है होमो, इसको सीधा सीधा चार्ल्स डार्विन ने मानव लिखा है और इरेक्ट को कंसर्न किया है, अर्थात वैसा मानव जो पूर्णतः सीधी अवस्था में खड़ा होना सीख लिया था। अगर इसकी और भी फीचर्स की बात करें तो ये टूल मेकिंग मैन है, टूल मेकिंग मैन, यानी अब ये हथियार बनाना सीख लिया। तो इनका विशेषता है कि अब ये विकसित कैटेगरी में बढ़ रहे हैं, यानी होमोनिड से ज्यादा विकसित है। तो इनके इन फीचर्स को आइडेंटिफाई किया गया है और इनका जो सेल्टर वगैरह फाइंड किए गए वो उसका रेंज होमोनिड से ज्यादा होगा। होमोनिड के बारे में हमने कहा कि मेनली अफ्रीका और उसके आसपास के क्षेत्र में होगा, लेकिन जो होमो इरेक्टस पाए गए वो लगभग लगभग कई कॉन्टिनेंट्स में है। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें होमोनिड्स के एग्जाम्पल को, सॉरी होमो इरेक्टस के एग्जाम्पल को, तो इसमें सबसे फेमस है जावा मैन, जावा मानव, यानी एशिया में जावा मानव के पुरातात्विक स्रोत को खोजा गया और यह सबसे ज्यादा विकसित पाया गया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लाइक क्लाइमेट हो सकता है, पर्यावरण की वजह से इनका शारीरिक विकास ज्यादा हुआ होगा, इनके पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस रहे होंगे। तो ये चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग सेकेंड कैटेगरी है मानव का। अब हम थर्ड कैटेगरी की बात कर रहे हैं जिसको चार्ल्स डार्विन ने होमो सैपियंस नाम दिया है, होमो सैपियंस। डियर फ्रेंड्स, पहले होमो सैपियन और होमो सैपियन सैपियंस दो अलग अलग कैटेगरी थे, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने इनको मर्ज कर दिया। जो पहले थॉट्स थे, इसके जो दो पार्ट्स थे उसमें एक को हम लोग वाइज मैन या बुद्धिमान मानव के नाम से बताते थे, बुद्धिमान मानव, और जो सेकेंड कैटेगरी था उसको थिंकिंग मैन कहा गया, यानी चिंतनशील मानव। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने कहा ये आधुनिक मानव का एग्जाम्पल है, होमो सैपियंस को मॉडर्न मैन के रूप में दिखाया जाता है, मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मानव। तो चार्ल्स डार्विन ने इसे कैटेगराइज किया। अगर हम होमो सैपियंस के फीचर्स की बात करें तो ये बिल्कुल आज जैसा मानव हो गया, ये डिफरेंट प्रकार के टूल्स को बनाना सीख लिया, अपने लिए शेल्टर बनाना सीख लिया, और ये एक कल्चरल लाइफ जीते थे जिसमें हंटिंग गैदरिंग यानी ये फूड कलेक्टर के रूप में जाने गए, खाद संग्राहक के रूप में जाने गए। लेकिन इसके अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, एक्चुअली अगर हम कहें तो ये ऐसा मानव है जो एक हंटर कैटेगरी से फूड प्रोड्यूसर कैटेगरी में भी शिफ्ट किया है। इस कैटेगरी को, होमो सैपियंस को, जो बिल्कुल मॉडर्न मैन है, उसको कुछ लोग 13,000 या 13,000 वर्ष पूर्व तक मानते हैं कि उनका विकास
या उनका उद्भव शुरू हो चुका था। लेकिन जो एनसीईआरटी कंसीडर किया है वो 10,000 BC के आसपास होमोसेपियंस विकसित हुआ और ये तब से यानी 10,000 onward यानी 10,000 BC से आगे यानी आज तक जो विकसित होता हुआ मानव है उसे हम इसी रूप में देख सकते हैं, बुद्धिमान या चिंतनशील मानव। इनके फाइंडिंग्स ऑल ओवर वर्ल्ड में मिला है और इसमें इंडिया में भी बहुत सारे इसके फैक्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, यूरोप में, अफ्रीका में तो है ही, और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यानी सभी कॉन्टिनेंट्स में इसके एविडेंस है। तो ये चार्ल्स डार्विन के हमने कैटेगराइजेशन को देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति का वर्गीकरण। दोस्तों इसमें हमने एक पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन नहीं किया है, जो होमो सेपियंस के ब्रेन साइज को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, इसे मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। इसे इन्होंने बताया था 1200 to 1800 CC, यानी 1200 से 1800 CC से 1800 CC के बीच में। लेकिन जो आधुनिक मानव है यानी आज का मानव है, जो हम लोग जिस कैटेगरी में है, इनके ब्रेन साइज को एक ऑन एवरेज 1450 यानी 1450 CC के आसपास का माना जाता है। यानी एक वाइडर रेंज था, इसका एवरेज हमने देखा है। हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में भी पूछा गया था कि आधुनिक मानव के ब्रेन का साइज लगभग कितना है, तो दोस्तों याद रखेंगे 1450 CC आधुनिक मानव के मस्तिष्क के औसत आकार है। तो ये रहा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स जो कि हमारे पास अवेलेबल है और जो थॉट चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा। दोस्तों अगले वीडियो सेशन में हम लोग कैटेगराइज करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ ही हमारा क्लास स्टार्ट होगा। स्पेशली हम बात करेंगे स्टोन एज जो कि वर्ल्ड वाइड होगा, फिर हमारा टॉपिक होगा प्राइमरी सोसाइटी, सिविलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी प्रारंभिक समाज का विकास कहां कहां स्टैंड करता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो प्रारंभिक समाज है उसका विकास किन किन पृष्ठभूमि में हुआ और किस किस स्थलों पे हुआ। फिर हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक प्रारंभिक मानव समाज जो प्रिमेटिव सोसाइटी के नाम से हम जानते थे उसका विकास सिविलाइजेशन के रूप में हुआ और वो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के माध्यम से होते हुए आज तक पहुंचा है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस तो नहीं करना है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में शामिल किया गया है उसका जो कंसर्न है वो है सिविलाइजेशन, जो तीन पढ़ना है आपको, मेसोपोटामियन या मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो कि सेंट्रल एशिया में इराक उसका सेंट्रल पॉइंट था, इजिप्टियन सिविलाइजेशन यानी मिस्र की सभ्यता, और मोस्ट सिग्निफिकेंट सिविलाइजेशन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हमारा भारतीय सभ्यता है। इन तीनों सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और फिर हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे इसलिए सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। दोस्तों मैं इस बीच में बहुत ज्यादा व्यस्तता के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज से ये कंटिन्यू रहेगा, प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना बड़ा है कि उसको कंपाइल करना ही मुश्किल है, तो कंटिन्यूटी में रहेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इंडियन हिस्ट्री के साथ डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।